अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सीख कबाब। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिया हमने 500 ग्राम कीमा। कीमे को अच्छे से पीस लिया है। इसमें डालेंगे हरी धनिया, शामिल करेंगे इसमें 3 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 प्याज चॉपर में चॉप करके डाल देंगे, 4 से 5 हरी मिर्च कुटी हुई, 1 नींबू का रस, थोड़ा से पुदीने के पत्ते काटे शामिल करेंगे। शामिल करेंगे 1 चम्मच सूखा पुदीना। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने सारे कीमे को मिक्स कर लिया है। इसको चारों तरफ से फैला देंगे। बीच में एक कटोरी रख के स्मोकिंग फ्लेवर देंगे। 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। पर हम कबाब की गोले बनाएंगे और सीख की मदद से कबाब का शेप देंगे। यहाँ पर सीख डाल के दबा दबा के कबाब का शेप देंगे। इसी तरीके से सारे कबाब तैयार कर लेंगे। देखें, सारे कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, गैस ऑन कर दिया है। इसमें डालेंगे थोड़े से मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो चुका है। यहाँ पर हम कबाब को फ्राई करेंगे। यहाँ पर अलग पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कबाब का कलर कितना बेहतरीन आया है। अब सब तमाम कबाबों को हम निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे हरी धनिया की चटनी। शामिल करेंगे इसमें थोड़ी सी धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 2 टुकड़े अदरक के, 7 जवा लहसुन शामिल करेंगे, 8 से 9 हरी मिर्च शामिल करेंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे, 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच काला नमक। इसको ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। देखें कबाब हमारे कितने सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। इन्हें हरी चटनी के साथ इंजॉय करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।